Hi kids. Hi sir. आज हम पढ़ने वाले हैं how many squares. Squares क्या होते हैं squares? बराबर. चारों sides उसकी क्या होती हैं? बराबर. और जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं? आमने सामने आयत. आयत rectangle ठीक है. देखो यहाँ पर हमको एक grid दिखाई दे रहा है ये वाला. Yes sir. ठीक है. और एक हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक क्या ये? Square. ठीक है. एक square. अब वो बोल रहे हैं मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट. अब जो ये डॉटेड शीट है ग्रिड वाली, इस वो बोल रहे हैं कि आपको जो ये रेक्टेंगल है, ये सॉरी जो ये स्क्वायर है, इसको आपको क्या करना है? मेजर करना है. ठीक है. तो इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो कितना होगा लगभग? ये बताओ, वन सेंटीमीटर. चारों तरफ वन वन है ये, तो टोटल पैरीमीटर कितना हो गया इसका? फोर सेंटीमीटर. ठीक है. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. अब आपने जो काम करना है वो ये काम करना है कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ऐसे ही आपको 12 स्क्वायर से मिला के क्या बनाना है? एक रेक्टेंगल. समझ आया? जैसे ये है, कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक हो गया, हो गया ये टोटल. अब जब हम इसकी सारी बाउंड्रीज, भारी भार की बाउंड्रीज को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ये साइड, ये टोटल साइड कितनी हो जाएगी इसकी? हाँ, टोटल ये वाली पूरी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? 6. और ये वाली 2. ये 6. और ये भी 2. तो टोटल पैरीमीटर कितना हो गया इसका? 16. 6 12, 12 4, 16. तो टोटल पैरीमीटर हो गया इसका 16 सेंटीमीटर. अब वो बोल रहे हैं आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही रेक्टेंगल, मतलब 12 स्क्वायर से मिला के रेक्टेंगल बनाने हैं इस पूरी सीट्स पे. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कौन सा बच्चा बना पाएगा? ठीक है, समझ आई? करना है ये देखो, ये है 6 से हो गया 12, ये भी 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 12, और ये भी एक उन्होंने कैसे में बना दिया? खड़े में. ठीक है. ये तो पड़े में बनाया और ये कैसे में बनाया? खड़े में. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, कितने बना पाए हम? 7. ठीक है. ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर, सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट. अब वो बोल रहे हैं कि ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स, जितने भी रेक्टेंगल है सब 12 स्क्वायर से मिलकर बने हैं. तो वो बोल रहे हैं इनका जो एरिया है, मतलब जो ये जगह घेर रहे हैं, अब 12 चाहे वो जगह ऐसे में घेरे चाहे टेढ़े में घेरे, तो एरिया तो उतना ही घेरेंगे वो. ठीक है. एक रोटी है, माना एक रोटी हम जैसे यहाँ पर रखेंगे वैसे दूसरी जगह पे भी रखेंगे तो सेम ही एरिया घेरेंगे वो. ठीक है. बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, लेकिन वो बोल रहे हैं जो इसकी लेंथ है, जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है, मतलब जिसको हम पैरीमीटर बोल रहे हैं, जो 16 आया था हमारा, ठीक है, वो बोल रहे हैं वो अलग अलग होगा. लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है? वो अलग अलग नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ऐसे बनाए हैं, सारे लगभग हमने एक जैसे ही बनाए हैं. ठीक है. तो विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, वो बोल रहे हैं कि इन रेक्टेंगल्स में से जो आपने बनाए हैं इनमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबा पैरीमीटर किसका है? बताओ. सबका इक्वल है. विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द स्मॉलेस्ट पैरीमीटर, सबसे कम किसको है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ईच रेक्टेंगल हैज सेम पैरीमीटर. ठीक है, क्लियर है? मतलब सारे रेक्टेंगल्स का जो पैरीमीटर है वो क्या है? सेम, एक जैसा. ठीक है.